नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह का तोरण बता रही हूँ बनाना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं वीडियो हमारा, तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर एक वीडियो में कोशिश करते हैं कि नए नए डिजाइन आपके लिए अपलोड कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का वीडियो। इसके लिए हमने बेबी पिंक कलर ऊन लिया है और डार्क पिंक है, जामनी कलर, हल्का पिंक। इसके लिए हम 20 चैन बना लेंगे। पहले मोटा ऊन हमने लिया है। इस पे 18 डबल क्रोशे बना लेंगे। 3 चैन हमने यहाँ पर छोड़ा है, उसको भी हम क्रोशे में काउंट करेंगे। अठारह डबल क्रोशे हमने बना लिए, देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने 6 डबल क्रोशे बनाए हैं, 6 के ऊपर 6। डबल क्रोशे, 2 चैन लेंगे यहाँ पर, 3 क्रोशे छोड़ के, ये देखिए इस तरह से 3 क्रोशे छोड़ के 3 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं एक ही में, देख सकते हैं आप। 2 चैन, फिर 3 क्रोशे हमने छोड़ा है दोनों तरफ, 6 डबल क्रोशे दूसरी तरफ भी बना लेंगे। चैन से लेके हमने बनाया है क्रोशे, देख सकते हैं आप। इस तरह से दोनों तरफ 6-6 क्रोशे हमने बनाए हैं। यहाँ पर हमें चैन नहीं लेनी है, नीचे जो हमने 2 चैन लिया है इसी में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2-3। यहाँ पे भी हम चैन नहीं लेंगे, दूसरी तरफ जो 2 चैन हमने बनाया है वहाँ पर 3 डबल क्रोशे वहाँ भी हम बनाएंगे एक ही में, फिर 6 बॉर्डर बना लें। इस तरह पट्टी बना ले। छह किनारे, देख सकते हैं। फिर यहां पर 2 चैन, दोनों 3-3 क्रोशे के बीच में हमने 3 क्रोशे बनानी है, देख सकते हैं किधर हमने बनाया है। दो चैन, दोनों तरफ 2-2 चैन हमने लिया है,
इस तरह से डिजाइन बनेगी। इस तरह से पट्टी बना ली, दरवाजे जितना आपका जितना दरवाजा हो उतना पट्टी बना ले। ये देखिए इस तरह से हमने पट्टा बना लिया है। इसका बॉर्डर हम बना लेंगे। तो बॉर्डर के लिए हमने वायलेट कलर का ऊन लिया है। सिंगल क्रोशे ये वाला लाइन आपको बता देती हूँ मैं पहले। सिंगल क्रोशी दो लेंगे, एक चैन, दो सिंगल क्रोशे, और यहां पर हमने एक चैन लिया है, दो क्रोशे छोड़ के दो सिंगल क्रोशे हमने लिया है यहाँ। फिर यहाँ के बाद हम चैन नहीं लेंगे, कॉर्नर में ही चैन हमने लिया है, यहाँ पर चैन हमें नहीं लेनी है, देख सकते हैं। दो दो क्रोशी हमने यहाँ छोड़ा है, दो दो क्रोशी छोड़ के दो 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 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। यहाँ पर एक चैन लेना है, दोनों तरफ हमने एक एक चैन लिया है, एक क्रोशे बचते हैं, यहाँ पर हमें दो सिंगल क्रोशे एक चैन, उसी में हमें दो और सिंगल क्रोशे बनानी है, एक में हमने चार बनाया है कॉर्नर में। फिर यहाँ पर एक चैन लेनी है, पहले बॉक्स में दो क्रोशे, फिर चैन एक लेंगे, इस तरह से एक एक चैन, इस तरफ के एरिया में हमें एक एक चैन लेनी है और यहाँ पर हमें चैन नहीं लेनी है, केवल किनारे एक एक चैन हमने लिया है। इस तरह से आप इसका बॉर्डर बना ले। ये देखें इस तरह से पट्टा हमने बना लिया। नीचे के डिजाइन के लिए हमने गोंडे बनाए हैं, गोंडे से हम डिजाइन करेंगे नीचे का। तो इस तरह से चार उंगलियां कर ले, एक ही साइज में हमें गोंडे बनाने हैं, 40 फेरा करेंगे हम। चालीस फेरा हमने यहाँ पर किया है। दो एक्स्ट्रा धागा निकाल ले, इसे इस तरह से बांध देंगे। इस तरह से मोड़ के हमें यहाँ भी बांधनी है, तो दूसरे धागे से हम इस तरह से बांध देंगे। इस तरह का गोंडे हमें बनानी है। दोनों कलर में इस तरह के गोंडे हम बना लेंगे, दोनों कलर में, बेबी पिंक और वायलेट दोनों में इस तरह के हमने बना लिए हैं, देख सकते हैं आप।
एक सुई ले लेंगे हम, दुसुत्ती पे डिजाइन जो बनाते हैं वो सुई हमने लिया यहाँ पर। चार नंबर की मोती हमने एक ली है, इस तरह से इसमें फिरो लेंगे। डबल कर लेंगे इस धागे को, देख सकते हैं। पहले हमें वायलेट कलर का गुंडा लेंगे, देख सकते हैं। इस तरह से इधर हम बीच में इधर फैला देंगे, बीचों बीच यहां से लेंगे सुई, मोती इधर आ जाएगी तो ये निकलेगा नहीं। इस तरह से हमने मोती इसीलिए लिया है, इस तरह से गुंडे फिरो लें एक। पट्टा लेके हम एक बॉक्स छोड़ेंगे, देख सकते हैं। और जो हमने चैन लिया है इसमें इस तरह से गांठ लगा लेंगे, मजबूत गांठ लगा ले ताकि खुले नहीं। इस तरह से हमें बनानी है। दूसरी लाइन में उसी तरीके से हमने दो बनाया है मोती, पहले पिरो लेंगे हम। थोड़ा लंबा धागा इस बार लेंगे, ये देखें। तो यहां पर हमें दो गोंडे लगाने हैं, तो पहले हम जामनी कलर का गोंडे लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। यहां पर हमने डेढ़ इंच लगभग छोड़ना है हमें दूसरे गुंडेल ये करने के लिए, पिरोने के लिए। तो यहां पर हम एक मोती डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से डेढ़ इंच ऊपर हम रखेंगे इसे धागे से। दोबारा हम सुई उस तरफ मोती के तरफ लेके आएंगे, ऐसे इसे बांध देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। इसे थोड़ा टाइट कर लें, फिर बेबी पिंक एक लेंगे हम, इस तरह से हम इसे पिरो लेंगे। ये हमने इसलिए किया है ताकि हमारे गुंडे खिसकेंगे नहीं यहाँ से, जगह से अपने ये देखें यहीं रहेंगे, इसलिए हमने
ऐसा तरीका बनाया है। तो इस तरह से आप दूसरा लाइन लगा ले। इसके लिए हमने तीन बॉक्स छोड़ा है, एक दो तीन, तीन बॉक्स छोड़ के हम लगा लेंगे इसे इस तरीके से। तीसरे लाइन में तीन बनाएंगे। इस तरह से हमें चार लाइन बनानी है, तीन और चार। ये देखें, पहले में हमने एक डाला है, दूसरे में दो, तीसरे लाइन में तीन और चौथे लाइन में चार है, पांचवे लाइन में पांच हमने डाला है, दो तीन चार पांच। फिर यहां से हमें कम करना है, त्रिभुजाकार बनाना है हमें। तो यहाँ पर हमें एक एक कम करते जाना है। तो यहाँ पर हम चार बनाएंगे, चार गुंडिका बनाएंगे। इस तरह से हमने चार गुंडे डाला है इसमें, चार करेंगे, फिर तीन दो एक, इस तरह से हमें बनानी है। तीन तीन बॉक्स हमने छोड़ के जोड़ा है। तो इस तरह से आप बना लें, चार तीन दो एक। ये देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है। इस तरह से आकार आएंगे नीचे के, देख सकते हैं। ये बीच का हिस्सा है, ये ऐसे जाएगा। तीन पार्ट हमने बनाए हैं इसमें, पट्टे में हमारे तीन पार्ट आए हैं। एक पार्ट में हमारे नौ लाइन आए हैं और एक पार्ट में पंद्रह वायलेट कलर का गुंडे लगाया हमने और दस बेबी पिंक कलर का। तो इस तरह से हम तीन पार्ट बना लेंगे। डिजाइन हमारे पसंद आए हो तो हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।